हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति पश्चिम वाला। आज की वीडियो में हम देखें ये बूट बनाने वाले हैं। इस तरह से हमें चारकोन पट्टी बनानी है। ये देखिए, ये चारकोन है, बहुत ही सिंपल और आसान है। ऐसे चारकोन पट्टी बनानी है और ये हमारे बूट बनके रेडी हो जाएंगे। मैंने आज आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के लिए बनाया है। इसमें जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये आपका 1 और 2 नंबर को आ जाएगा। पर्पल वाला देख रहे हैं ये 3 और 4 नंबर को आएगा। और ये जो आप ऑरेंज वाले देख रहे हैं आपका 5 और 6 नंबर को आ जाएगा। मैंने वीडियो में आपको पहना के दिखाया हुआ है, फिर भी आपको पहना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं सिलाई से बुना है हमने, बट हमारी फिटिंग अब बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए, जब मैंने क्रोसिया की हेल्प से बना के डाला था तो आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आए कि प्लीज़ सिलाई से बताइए, देखिए कितने अच्छे से फिट आ रहा है। तो मैंने आपको सिलाई से भी बना के बता दिया। बड़े साइज में भी बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी 7 नंबर के कान्हा का, और उसी में आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट दे दूंगी। तो आप जरूर चेक करिए अगर आपके कान्हा बड़े साइज के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritipasimla50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। देखिए छोटे साइज के हैं ये सब, मैंने छोटे साइज नहीं सभी साइज के हैं ये सब, मैंने जो है ये क्रोशिया हुक की हेल्प से बताया है। बट देख सकते हैं आप कोई अंतर नहीं है। सिलाई से बनाइए, क्रोशिया हुक की हेल्प से बनाइए, दोनों हमारा सेम आएगा। तो बहुत इजीली आप बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब कर भी करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर में ऊन लिया है और साथ में ये 9 नंबर में अपनी सिलाई ली हुई है। ये देखें, ये हमारी 9 नंबर की सिलाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ऊन के ऊपर इस तरह से ऐसे सिलाई को रखेंगे और यहाँ से ऐसे करके फंदे को डालेंगे। ये हमने एक फंदा डाल दिया, ये देखें इसी तरह से यहीं पे हमने अपना दूसरा फंदा डाल दिया, ये तीसरा फंदा हमारा आ गया, ये हमारा चौथा फंदा। इसी तरह से हमें यहाँ टोटल 10 फंदे डालने हैं। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 10 फंदे डाल दिए हैं। ये 10 फंदे मैं 5 और 6 नंबर के कान्हा का बनाऊंगी। यहीं पे आप देखेंगे तो इसी सिलाई में मैंने ये 8 फंदे डाले हैं जो हम 3 और 4 नंबर के कान्हा का बनाएंगे। और यहीं पे हमने 6 फंदे डाले हैं जिसे हम अपने 1 और 2 नंबर के कान्हा के लिए बनाएंगे। तीनों मैंने एक साथ डाल दिया है। चलिए आपको बुन के दिखाती हूँ। पैटर्न हमारा सेम ही है, बस छोटे साइज में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये देखिए, इस तरह से 1 और ये 2 फंदा हमने उल्टा बुना। यहाँ बैक पे ले जाएंगे और इस तरह से इसे सीधा बुनेंगे। बीच के सभी फंदों को सीधा बुनना है, फिर लास्ट से हमें 2 फंदे अपने उल्टे बुन देने हैं। एकदम इजी है, बहुत आसानी से आप सिलाई से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है। मैंने सभी साइज को पहना के भी दिखाया आपको। अब देखिए आगे लेके आएंगे और यहाँ से ये 2 फंदे अपने हम बुन देंगे उल्टे। अब देखिए छोटे साइज में हमें क्या करना है, ये हमारे 3 और 4 नंबर का है तो इसे भी हमें वैसे ही बुनना है। यहाँ पे हमें 2 फंदा अपना उल्टा बुन देना है और फिर इस तरह से बैक पे ले जाके बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे, ये ऐसे। इस तरह से बीच के फंदों को सीधा बुन दिया और फिर हम इसे फ्रंट पे ले आके लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे, ये हो गया। अब देखिए छोटे साइज में हमारा क्या चेंज रहेगा। यहाँ पे हमने 2 फंदा उल्टा बुना है बट छोटे साइज में सिर्फ 1 फंदा उल्टा बुनना है। यहाँ पे ज्यादा फंदे नहीं होते हैं, इस तरह से 1 फंदा उल्टा बुन दिया, बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे ये ऐसे करके। ये उल्टा बुनने की वजह से ही फैलेगा और पैर में पहनाने के बाद फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, तो उल्टा बुनना हमारा जरूरी है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे बुन देना है, ये देखें ये हमने इसे बुन दिया। अब यहाँ से हम इसे लेके आएंगे और ये उल्टा बुन देंगे, ये हो गया। अब उल्टी साइड हमें क्या करना है, इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए ये वाली सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन दिया पीछे की साइड से। अब हमें फिर सीधी साइड क्या करना है, सेम वैसे ही बुनना है, कोई चेंज नहीं रहेगा। ये देखें इस तरह से, ये 1 2 2 फंदा हमने उल्टा बुना, बैक पे ले जाएंगे, बीच के सभी फंदों को सीधा बुन देंगे, ये इस तरह से। हमारी तीसरी सिलाई चल रही है, ये ऐसे, और फ्रंट पे लाके इन दोनों फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। बस ऐसे ही मैं यहाँ पे इन सभी को बुन लूंगी। यहाँ पे 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, बीच में 4 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, यहाँ 1 फंदे हमारे उल्टा है, फिर बीच में 4 सीधा है, 1 उल्टा। और उल्टी साइड से तो हमें सभी फंदों को
उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि किस साइड में मैंने कितनी सलाइयाँ बुनी। ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 5 सलाइयाँ बुनी है, तो जो हमारा एकदम छोटा 1 और 2 नंबर का है ये यहीं पे अब हमारा घट जाएगा। 5 सलाई बुनने के बाद 6ठी सलाई में ये हमारा घटेगा। तो चलिए हम इसे घटा लेते हैं। पहले ये देखिए इस तरह से 2 फंदे को एक साथ बुन दिया, फिर इस फंदे को भी इसी सलाई में लेके 2 फंदे को एक साथ बुन दिया, फिर इस फंदे को भी इसी सलाई में लिया और यहाँ से एक फंदा और लेके 2 फंदा एक साथ हमने बुन दिया। फिर वही चीज करनी है, ये इस तरह से हमारा घट जाएगा। ये देखिए बस इतना बड़ा सा ही हमें चारकोन सा पीस बनाना है, हमारा जो सॉक्स है वो रेडी हो जाएगा। बस इसे सिलूंगी, ये हमारा रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसे थोड़ा लंबा करूंगी और यहाँ से पीछे से ऊन भी हम थोड़ा लंबा ही निकालेंगे। लंबे पे से ही कट करना है, लंबा इसलिए रख रहे हैं जिससे हम इसे से स्टिच कर दें इसे। तो ये हमारा एक हो गया है, ये देखें ये हमारा हो गया। अब इन सभी को उल्टी साइड आ गई है, तो चलिए उल्टी साइड में उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 नंबर वाली मैंने टोटल 7 सलाइयाँ बुनी है। अब 8ठी सलाई में हम इसे भी घटा देंगे। 2 सलाई हमारा बढ़ गया है इसमें, उसमें 5 था इसमें 7 हो गया है। सेम तरीके से घटाना है, ये देखें इस तरह से ऐसे करके सभी फंदों को घटा देंगे। बस आपको ध्यान इस चीज का देना है कि बहुत ज्यादा खींच के ना घटाएं फंदों को और ना ही बहुत ज्यादा ढीला रख के घटाएं। और जिस साइड से हम इसे घटा रहे हैं वो हमारी सीधी साइड रहेगी, मतलब हमारे पैर के जो है कान्हा जी के पैर के आगे के साइड रहेगा, और ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो कान्हा जी के पैर के बैक साइड पे रहेगा। इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ से इसे लंबा करूंगी और लंबा करके नॉट लगा लेंगे। तो चलिए लगा के कट करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हमने 9 सलाइयाँ बुन दी है। अब 10वीं सिलाई में हम इसे भी घटा देंगे। जैसे हमने उन दोनों को घटाया है वैसे ही हमारा ये भी घट जाएगा। ये देखिए इस तरह से एकदम सिंपल और आसान तरीका है और बहुत ही खूबसूरत सा एकदम परफेक्ट आपका बनेगा, इसे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं इसे भी घटा के और नॉट लगा के कट कर देती हूँ जैसे उन दोनों को किया है, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैर का सिल दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा सिलाई वाला है और ये हमारा क्रोशिया वाला है। आप देखिए कोई अंतर नहीं है दोनों में, ये देखिए ये सिलाई से बना है और ये क्रोशिया हुक के हेल्प से बना है, तो आप इजीली सिलाई से भी बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सिल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने अपना इसे नॉट लगा कट किया और उसके बाद जो ऊन बचा हमने उसे अपना सुई में डाल दिया। जहाँ से आपको इसे कट करना है वही आपका सुई में पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इसे हम इस तरह से सिलेंगे। यहाँ से हम बुनते हुए आ रहे थे यहाँ तक, ये हमने इसे घटाया, घटाने के बाद उनको हमने डाला और अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लॉक कर देंगे। ये हमने यहाँ पे लॉक किया, लॉक करने के बाद ये देखें ये इस तरह से इसे सिलना है। पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा सिलेंगे, ये चीज़ पहले मैं सिल रही हूँ, ये देखें ये यहाँ पे ये चीज़। तो पहले हम ये ऊपर वाला हिस्सा सिलते हैं, ये देखें ये इस तरह से एकदम सिंपल है गाइस, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी सीधी पट्टी बनाइए और सिल दीजिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे थोड़ी दूर तक सिल दिया है। अब बस यहीं पे हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद फिर हमें यहीं से रिटर्न हो जाना है। ये देखिए ये इस तरह से हम रिटर्न होके आएंगे, क्योंकि हमें अभी इधर भी सिलना है। इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी हम सिलेंगे, इसे हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर ये खुला खुला सा आएगा। तो ये पूरा हमें सिलना है, यहाँ तक हमने सिल दिया। अब यहाँ पे हम इसे नॉट लगा के कट कर लेंगे। ये हमने नॉट लगा दी और ये हमने थोड़ा सा लंबा रख के कट कर दिया। ये देखिए ये इतना दूर तक हमने इसे सिल दिया है। अब इसे हमें इसका ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो सिलना है, तो ये भी सिल देते हैं। ये देखिए ये जो हमने फंदे डाले हैं वही दोनों फंदे हैं, मैं बीच से डाल ली हूँ जिससे हमारी नॉट ऊपर ना आए। जो हम नॉट लगाएंगे वो ऊपर आएगी तो बहुत बेकार लगेगा देख के, इसीलिए हम इसे इस तरह से बीच से डालेंगे और यहाँ पे सिल देंगे ये ऐसे करके। ये देखिए ऊपर तक मैंने सिला, ये नहीं कि आप पूरा होल ही बंद कर दें फिर पहनाने के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर की साइड में हमारा होल होना चाहिए। ये इस तरह से हमने इसे स्टिच कर दिया, नॉट लगाई और अब इसे भी हम थोड़ा सा लंबा रख के कट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऊपर की साइड में हमारा होल यहाँ पे है, बस यहीं से अब मैं इसे सीधा कर दूंगी। ये देखें ये इस तरह से सीधा कर देना है। ये हमारा सीधा हो गया,
कोई भी चीज़ की हेल्प से आप कर सकते हैं, या फिर आप कान्हा जी को पहनाएंगे तो भी ये आपका सीधा हो जाएगा। ये देखिए हमारी बूटी जो है वो रेडी हो गई। ये देखिए ये 5 नंबर के कान्हा है, 5 नंबर को पहना के दिखाती हूँ, बट ये 6 नंबर को भी आएगी। अभी 6 नंबर को भी पहना के दिखा दूंगी। ये देखें कितने अच्छे से फिट आ गई है, 5 नंबर को बहुत अच्छे से आई है, 6 नंबर को भी आपको सेम यही पहना के दिखा देती हूँ। और ये सभी कान्हा जी लोग सेल होने के लिए आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे वुडन के ऊपर इन्हें बैठा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह से बहुत अच्छे से फिट आ जाएगी, गिरेगी बिल्कुल नहीं, ना ये 5 नंबर में गिरेगी ना ये 6 नंबर में गिरेगी। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको 3 और 4 नंबर का भी स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से फिट आई हुई है। अब देखिए हमने अपना 3 और 4 नंबर के कान्हा जी का ले लिया है, इसमें भी मैंने देखिए सुई डाल दी है, सेम तरीके से सिलना है इसे भी। पहले यहाँ पे हम ऐसे अटैच करेंगे, और उसके बाद अटैच करने के बाद पहले ये आगे की साइड हम इसे सिलेंगे थोड़ी दूर। बहुत ज़्यादा नहीं सिलना है क्योंकि हमें पहनाने के लिए होल भी रखना है इसमें। ऐसा ना करें आप कि इसे बहुत ज़्यादा सिल दें, बहुत ज़्यादा नहीं सिलेंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सिल दिया, 4 धारियाँ थी, लगभग मैंने 2 धारियाँ यहाँ पे सिल दी हैं। बस यहाँ पे एक नॉट लगाऊंगी, फिर हम इसे यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से यहीं से हमने पीछे से आ जाना है, और ये जो इसकी ये वाली साइड है ऊपर की, ये भी हम सिल देंगे। ये देखिए सेम वैसे ही सिलाएगा, कोई चेंज नहीं है, बस यही है कि ये हमारा साइज छोटा है और वो हमारा साइज बड़ा था। ये हमने सिल दिया, ये हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद फिर से इसमें नॉट लगाएंगे, और इसके पीछे वाली जो साइड है वो भी हमें सिल देनी है। ये देखिए ये जो पीछे की साइड है ये हम अब सिलेंगे, तो इसे भी मैंने बराबर कर दिया। बीच से सिलना शुरू करूंगी जिससे हमारी नॉट ऊपर ना आए। अब हम इस तरह से सिलते हुए ऊपर आएंगे, ये ऐसे करके, और बस यहीं से हमें अब नीचे भी आना है क्योंकि हमने बीच से शुरू किया था, तो हमारा ये नीचे भी नहीं स्टिच हुआ है। पूरा नीचे तक आके और नीचे से भी इसे सिल देना है। सिलने के बाद यहीं पे हमने एक नॉट लगाई और कट कर देंगे। थोड़ा सा लंबा रख के कट करिए। कट करने के बाद ये देखिए ये हमारा ऊपर हमने थोड़ा सा होल छोड़ा हुआ है, यहीं से इसे हमें पलट देना है। ये इस तरह से करके सीधा करेंगे, छोटा साइज है, थोड़ा सा पलटने में आपको वो लगेगा, बट ये देखिए पलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इजिली हमारा निकल के आ गया। देखिए ये हमारी बूट जो है वो रेडी हो गई। तो मैं पहना के दिखाती हूँ कान्हा जी लोगों को। इस तरह से एक पैर की मैंने यहाँ पे सिल ली है, दूसरे पैर की मैंने आपको सिल के दिखा दी। अब मैंने यहाँ पे 3 और 4 नंबर के कान्हा को ले लिया है। आपको पहले 3 नंबर को ही पहना के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से 3 नंबर को बहुत अच्छे से फिट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखें सेट हो गई, और ये पैर का भी पहना देती हूँ। ये देखिए ये 3 नंबर को आ गई। मैंने यहाँ पे 5-6 को भी सामने बिठा दिया है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता कि अरे आपने उन्हें ही पहना के दिखा दिया। अब ये देखिए 4 नंबर को भी पहना के दिखा देती हूँ। 4 नंबर को भी बहुत अच्छे से देखिए फिट आ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी कान्हा जी लोग सेल होने के लिए आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे वुडन के ऊपर बैठा देती हूँ। देखिए ये हमारी 4 नंबर को भी आ गई। अब चलिए मैं आपको 1 और 2 नंबर का भी बताती हूँ। देखिए सब लोग छोटे बड़े हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज का ले लिया है, यहाँ से जहां से हमने कट किया था नॉट लगा के, वहीं से हमने इसे ले लिया है। अब इसे हम सिलना शुरू करते हैं। ये देखिए यहीं से हम इसे सिलना शुरू करेंगे, ये इस तरह से, जैसे हमने उसे लॉक किया था सेम वैसे ही हमने इसे भी लॉक कर दिया, और पहले आगे तक हम इसे सिलेंगे इस तरह से। आप यहाँ से गिन भी सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे कितनी हमारी जो सीधी साइड आई है उल्टा उल्टा, वो मैं कितना इसे सिले हूँ। तो मैंने 2 के करीब में इसे सिल दिया है। अब यहीं से इसे टर्न होके ये इसकी जो आगे वाली साइड है वो भी सिल देंगे। ये बहुत छोटा साइज है, फिर भी अगर अभी आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ये फिटिंग आएगी कान्हा जी को, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। 0 नंबर को भी आएगा और 1 नंबर को भी, सॉरी 0 मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 नंबर को और 2 नंबर को आएगा। ये देखिए आगे से मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद यहाँ से नॉट लगा के इसकी बैक साइड भी हम स्टिच करेंगे। ये जो बैक साइड है इसकी ये भी सिल लेते हैं। ये इस तरह से सेंटर से सिलना शुरू करेंगे, और सिलने के बाद ये ऊपर आएंगे। बहुत लंबा ये है ही नहीं हमारा, छोटा ही है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सिला। अब सिल के हम नीचे आएंगे और नीचे भी स्टिच कर देंगे, ये ऐसे करके। ये हमने सिल दिया, बस नॉट लगा के कट करना है। ये हमारा हो गया है, अब हम इसे सीधा कर देंगे। ये मैंने जो पहले नॉट लगाई थी वो वाली है, तो
ये देखें, ये भी उसी तरह से आपका सीधा हो जाएगा। इसे भी आपको सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने कहीं भी वीडियो को इसीलिए स्किप नहीं किया है। ये देखें, ये हमारा सीधा हो गया। आप देखिए कितना छोटा सा ये हमारा बन के रेडी हुआ है। पहनने में ये बहुत ईजिली आएगा। ये देखें, ये रहे तुम्हारे दो नंबर के काना। ये इस तरह से इन्हें फिट आएगा। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गया है। ये वाला पैर भी पहना के दिखा देती हूँ। आप देखिए इस पैर का भी बहुत अच्छे से फिट आ गया है, पूरा एकदम ऊपर तक है, कहीं से भी नीचे नहीं है। देखिए इस तरह से। और ये हल्की सी जो हमारी जाली जैसा दिख रहा है, ये अगर आप कम चाहते हैं तो 9 नंबर की जगह आप 10 नंबर की सिलाई यूज करिए, तो 2 नंबर को आ गया और सेम तरीके से 1 नंबर को भी आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये 1 नंबर को भी आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फिट आ गया 1 नंबर को भी। 1 नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने पहनाने में, आप इजिली बनाइए और पहनाइए। इस तरह से मैंने आपको 6 साइज बता दी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इन सभी साइज में आप बनाइए और अपने कान्हाजी को पहनाइए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।